गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, लास्ट क्लास आपको ओरल क्वेश्चन होमवर्क मिला था, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। वन सेकेंड प्लीज। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आपको पता है कि एक्चुअली एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं? पास्कल लिखते हैं। तब दोनों ही लिख लीजिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। दूसरा, नेम द टू पैरामीटर्स विच डिफाइन प्रेशर। प्रेशर डिफाइन करने के लिए आप कौन सी दो चीज़ों का यूज करते हैं? पहला फोर्स, दूसरा एरिया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। थर्ड, वेयर इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर हायर इन अ डैम। इसके लिए एक डैम बना लेते हैं, ये बन गया हमारा डैम। इसमें ये पूरा वाटर भरा पड़ा है। आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ऑप्शन है आपके पास, एट द टॉप, यानी कि ऊपर में कहीं, मान लीजिए यहाँ पर, या एट द बेस, नियर द बेस। ये है हमारा बेस, जहाँ पे ये फिनिश हो रहा है, यहाँ कहीं। आप बताइए प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? सिंपल, नियर द बेस, क्योंकि जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा बन जाएगा, और अमाउंट ऑफ वाटर जितना ज़्यादा होगा प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज प्रेशर एट अ पॉइंट विद इन अ लिक्विड चेंजेस विथ इट्स डेप्थ। एक डेप्थ है, दूसरी डेप्थ और तीसरी डेप्थ। बताइए पहली डेप्थ पे प्रेशर ज़्यादा या कम? कम। दूसरी डेप्थ पे थोड़ा ज़्यादा, तीसरी डेप्थ पे और ज़्यादा। यानी हम क्या कर सकते हैं, एज द डेप्थ इंक्रीजेस, जैसे जैसे डेप्थ यानी कि गहराई बढ़ेगी, प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होती है? इंक्रीज करती है। कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन व्हाट प्रिंसिपल आर द हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स किस पे काम करते हैं? दैट सिंपल, दैट इज पास्कल्स लॉ। आप यहाँ नहीं, यहाँ कहीं लिख लीजिएगा, दैट इज पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर, ये है सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस होमवर्क। कल के होमवर्क का ये आपको सॉल्यूशन मिल गया आपको। सॉरी, देखिए लास्ट क्लास आपने ये चीज़ लिख रखी होगी, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम एटमॉस्फेयर को कैसे मेजर करते हैं? वी यूज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज बैरोमीटर, और उसको हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे, राइट। चलिए देखिए क्या दिया है। आवर प्रेजेंट डे नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय ई टॉरिसली। हाँ, ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट हु वॉज बोर्न इन 1608। ओके, ही फर्स्ट डन सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया, और वो हमें ये बताएं कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे, टोरिसेली मेड अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर और मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे कि
हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते थे, राइट। और उसको उन्होंने सिंपल बैरोमीटर या मर्करी बैरोमीटर का नाम दिया। ये देखिए आपके सामने एक्टिविटी में सब कुछ दिया है, ये आपको होमवर्क रहेगा, आप एक्टिविटी में घर पे खुद से इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ है नहीं इसमें, बिना मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, आइए हम इसको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनदर मर्करी बैरोमीटर इज 14th बैरोमीटर। दूसरा जो मर्करी बैरोमीटर है उसका नाम है 14th बैरोमीटर, फिगर ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं। ये फिगर आपको विजिबल होगा, सॉरी अगेन, यस। देखिए तो हमने मर्करी बैरोमीटर में एक सिंपल बैरोमीटर स्टार्टिंग में देखा, फिर दूसरा हमने देखा 14th बैरोमीटर। ये भी सेम मर्करी पे ही काम करता है। मर्करी एक टाइप की मेटल होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, राइट, ऐसा दिखता है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ना हो, उसकी ज़रूरत तो है नहीं, समझना पढ़ रखे होंगे, और फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको क्लास 7th में जो वीडियो बनाए हैं हम वो वीडियो दे देंगे, आप वहाँ उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनेरोइड बैरोमीटर। अब ये क्या करता है, ये बैरोमीटर थोड़ा सा अलग है, इट मीन्स इसमें लिक्विड मर्करी की फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम इसमें से डायरेक्ट वैल्यू को मेजर करते हैं। देखिए, एनेरोइड बैरोमीटर डज नॉट एम्प्लॉय मर्करी और एनी अदर बैरोमेट्रिक लिक्विड, इट इज अ डायरेक्ट रीडिंग बैरोमीटर। आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। जो एनेरोइड बैरोमीटर होता है इसमें लिक्विड मर्करी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट वैल्यू हमें मेजर करके बताता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड। हाँ, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट्स करके आप लिखेंगे, आप यहाँ लिख लेंगे नोट पॉइंट्स। फिर फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वैसे वैसे डिक्रीज करता जाता है। अगर आप कभी भी एटमॉस्फेयर की लेयर को देखे होंगे, आप जूनियर क्लासेस की अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ आपको याद होंगी तो आपको पता होगा ये जो नीचे की लेयर होती है दैट इज थीकर, वो क्या होती है, मोटी होती है, जबकि ऊपर की ये जो एयर की लेयर है एटमॉस्फेयर की दैट इज वेरी थीनर। अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एटमॉस्फेयर एक्चुअली क्या है, इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी कि ये एयर ही है। यहाँ पर इसका लेयर थीकर है, इसका मतलब यहाँ पर एयर ज़्यादा होगा या कम, वेरी गुड, दैट विल बी मोर, और यहाँ थीनर यानी कि यहाँ पर एयर क्या होगा, लेस होगा, दैट विल बी इन लेस अमाउंट। अब हमें बताइए एयर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा या कम, हाँ वेरी गुड, हियर प्रेशर, कौन सी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी मोर, जबकि हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूरा नहीं लिख रहे हम, प्रेशर विल बी लेस। आपको ये सब बनाना नहीं है, आपको इसे समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए नीचे लेयर मोटी होती है यानी कि एयर ज़्यादा, एयर ज़्यादा तो एयर का प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, ऊपर एयर कम इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बताइए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है या कम, ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ उससे भी कम, यहाँ उससे भी कम, और ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू लगातार क्या होती होगी, कम होती होगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, हम तो नॉर्मल सरफेस पर रहते हैं यानी कि हमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आदत है, राइट। आपने कभी नोटिस किया जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स हम उनको बोलते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिनको शौक होता है पहाड़ों पर ऊपर से ऊपर चढ़ने का, जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो बताइए उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही होगी या घट रही होगी,
जाहिर सी बात है घटती होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है। हमारा बॉडी नीचे के सरफेस के लिए सूटेबल है, यानी कि नीचे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसा हम ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये एक पहाड़ है, दिस इज अ माउंटेन, और हम यहाँ पहुँच गए, तो ये तो जाहिर सी बात है सरफेस से काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर मुझे मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा कि लेस प्रेशर, और यहाँ पर हमें क्या मिलता, मोर। यानी मुझे आदत किसकी है, मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लेस की, मोर की आदत है, यहाँ मुझे लेस मिल रहा है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर मेरे बॉडी का प्रेशर, आप ध्यान से देखेंगे जब हम सरफेस पे होते हैं तो मेरे बॉडी का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल होता है, राइट। ऊपर जाने के बाद मेरी प्रेशर तो अभी भी वही है, लेकिन बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और आपके चीज अच्छे से पता है, लास्ट क्लास हमने सिखाया था कि प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ बढ़ता है, किधर, हाई से लो की तरफ। आप यहाँ अगर कंपेरिजन करेंगे पहाड़ के ऊपर जाने के बाद, तो आपके बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा। एक्चुअली आपका प्रेशर बढ़ा नहीं है, इसका प्रेशर कम हो गया है। आप हमें बताइए तो क्या होगा, आपके बॉडी से फ्लूइड बाहर जा सकता है या बाहर से फ्लूइड आपके अंदर आ सकता है? हाँ, क्योंकि आपका प्रेशर ज़्यादा है तो आपके अंदर की जो ब्लड होती है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। एक्चुअली हमारे नोज के अंदर नोज कैपिलरीज पाई जाती हैं, आगे आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी बस आप नाम जानते रहें, क्या पाई जाती हैं, नोज कैपिलरीज। जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे बॉडी का प्रेशर सेम रहता है लेकिन बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए ये नोज कैपिलरीज बर्स्ट होती है, फट जाती है और हमारे नाक से ब्लड आने लगता है, यानी कि हमारी जो नोज है वो ब्लीडिंग करने लगती है। ये केस तब होता है जब हमारे बॉडी का प्रेशर ज़्यादा हो और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए, कम। जनरली आप कई बार ऐसा गर्मी के दिनों में भी ऐसा देखते होंगे आसपास या किसी ने सुना होगा, लोगों के नोज से अचानक से ब्लड आने लगता है। हाँ, उसके पीछे यही रीज़न, उनके नोज में नोज कैपिलरीज होती है, सिर्फ उन्हीं के नहीं, हमारे नोज में भी नोज कैपिलरीज होती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होता है और वो बाहर नहीं आता। जब हमारे बॉडी का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम होता है तो ये जो कैपिलरीज है ये फट जाती हैं और ब्लड बाहर आने लगता है, तो ये हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपके नोज से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, एक बात। दूसरी चीज़, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना आपको चक्कर आने लगता है, आपने कभी देखा बहुत ज़्यादा ऊपर जाके जब आप नीचे झाँकते हैं तो आपको चक्कर आता है? हाँ, ये भी इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपका प्रेशर ज़्यादा है और वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम है, यानी कि आप सही तरीके से, आपका ब्रेन काम नहीं करता वहाँ पर, उस केस में आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, इसलिए आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और आपको चक्कर जैसी फीलिंग आती है। तो फिर क्या होता है, इसको कैसे बचा जाए, क्या ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, जब लोग समुद्र के अंदर जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन अगर वो ढूंढ रखे हैं तो क्या हमेशा सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे? बिल्कुल, इसका भी सॉल्यूशन है। आपने देखा वो जो ज़्यादातर लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिनको माउंटेनियर्स बोलते हैं या क्लाइंबर्स बोलते हैं, वे लोग अपने पीठ के पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, हाँ, दैट इज गैस सिलेंडर। और वो गैस सिलेंडर क्यों लिए रहते हैं? वेरी गुड, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा ना हो। अभी आपको समझ में आ गया होगा, आइए जो आपको लिखना है वो आपको नोट करा दें हम। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, दैट इज इट डिक्रीजेस एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड पॉइंट, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ। जबकि लिक्विड के केस में ये उल्टा था, हाँ, लिक्विड में जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जाते हैं प्रेशर वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता जाता है, राइट। चलिए अब हमारे सामने एक छोटा सा डू यू नो दिया है, आइए हम इसे समझाई देते हैं। हाउ लार्ज इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपको फील करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे फील किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है,
वन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया एट द ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू नियरली 1 kg ऑफ द एयर, राइट। अगर आपके पास 1 cm² की एरिया है तो लगभग आपको 1 kg फोर्स फील होता है, और वो एरिया किसके इक्वल होती है आपका, दैट इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। द एरिया ऑफ योर पाम इज अबाउट 100 cm². अगर आप अपने पाम लगभग है, ये ध्यान रहे सारी वैल्यूज लगभग दी आपको, कुछ इसमें रटना नहीं है, सिर्फ सुनिए समझिए और भूल जाइए, ठीक है। द एरिया ऑफ योर पाम इज अबाउट 100 cm², सो योर पाम वेन हेल्ड हॉरिजॉन्टली इज बींग एग्जर्टेड बाई अ फोर्स ड्यू टू 100 kg ऑफ द एयर। जब आप अपने हथेली को, पाम को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो उस केस में बींग एग्जर्टेड बाई अ फोर्स ड्यू टू 100 kg ऑफ द एयर, वो फोर्स आप कभी भी क्या करिए, बस आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ऐसे करके रखे रहिए, आपको क्या होगा, धीरे धीरे पेन फील होने लगता है, होता है ना। इसका मतलब जो आपका प्रेशर है, दैट इज अबाउट द प्रेशर ऑफ 100 kg एयर, वो इतना प्रेशर है जितना कि 100 kg एयर का प्रेशर होता है। दिस फोर्स इज नियरली इक्वल टू द वेट ऑफ 2 or 3 बॉयज ऑफ योर एज, और ये फोर्स की वैल्यू जो है वो लगभग 100 kg, यानी कि आपकी एज, आपकी वेट कितनी होगी, नियर अबाउट 30 या 40 kg होगी ना, तो आपकी तरह लगभग 3 या 2 बच्चों की वेट के बराबर ये फोर्स होता है। बट यू डू नॉट फील दिस फोर्स ऑन योर पाम, लेकिन आप अपनी हथेली पे इस फोर्स को फील नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज द एटमोस्फेरिक प्रेशर अबव एंड बिलो द पाम इज इक्वल। तो फिर आपको फील क्यों नहीं होता, जब आपको इतना ज़्यादा लगभग 100 kg फोर्स आपके ऊपर लगाया जा रहा है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर हम 100 kg की बोरी ला कर रख दें तो क्या होगा, तो आप तो कहेंगे सर मेरा हैंड पेन करने लगेगा, मुझसे उठेगा भी नहीं, और ये चीज़ मुझे फील होगी। तो यहाँ फील क्यों नहीं होती है, बहुत सिंपल सा है, जैसे एक ये बॉक्स है, आप यहाँ से 500 N का फोर्स लगा के धक्का दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर मूव करेगी। अब मान लीजिए कोई और है, वो भी 500 N का फोर्स लगा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक मूव करेगी कि नहीं, नहीं करेगी, क्योंकि ये 500 इधर, ये 500 इधर, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0। वैसे ही आपके इस हैंड के ऊपर लगभग कितना 100 kg फोर्स लग रहा है, कहाँ, नीचे की तरफ, तो आपको फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 100 kg फोर्स आपको ऊपर भी लग रहा है। देखिए ये नीचे की तरफ दबा रहा है, ये ऊपर की तरफ, दोनों सेम है, जितना ऊपर से नीचे लग रहा है उतना नीचे से ऊपर। तो बताइए रिजल्टेंट प्रेशर जब आप निकालेंगे तो दोनों को क्या करना होगा, माइनस, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, इसलिए आपको फील नहीं होता है। आपको इसमें कुछ लिखना नहीं था, बस आपको ये सुनना था, समझना था और भूल जाना था, हाँ भूलने में तो आप एक्सपर्ट हैं। चलिए देखिए ये चीज़ आप लिख लेंगे, ये काम की है। माउंटेनियर्स एट अ हाई एल्टीट्यूड समटाइम्स एक्सपीरियंस ब्लीडिंग थ्रू देयर नोज, जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके नाक से खून आने लगता है। दिस इज बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड द एटमोस्फेरिक प्रेशर सडनली ड्रॉप्स, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है, और आपकी बॉडी का प्रेशर अभी भी उतना रहता है, यानी कि अगर वहाँ पे कंपैरिजन करें पहाड़ों के ऊपर जाने के बाद, तो आपकी बॉडी का प्रेशर बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। दिस लीड्स टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, इससे क्या होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नोज कैपिलरीज, वो क्या होती है, फट जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, कॉजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, और इस तरह से हमारे ब्लड बाहर आना लगता है, जिसको हम नोज ब्लीडिंग कहते हैं।